हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और अभी जो है टाइम हो रहा है शाम के, बज गए हैं ठीक 5:30। और मैं बस ऐसी रजाई के अंदर बैठी हुई थी आराम से। बहुत ज़्यादा ठंड होने शुरू हो गई है दोबारे से। अभी बीच में मौसम अच्छा हो गया था लेकिन आज फिर से, आज और कल से थोड़ा सा ज़्यादा ठंड है। हाँ जी, देखेंगे, सोचेंगे इस बारे में सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, तो 5:30 हो रहे हैं और वंशिका जो है गई है डांस क्लास में और विदांश है ना यहाँ पर बैठा हुआ है और बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मम्मी फोन दे दो, फोन दे दो। नहीं, क्यों दो, क्यों दो, क्यों दो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई की आज, पढ़ाई की, पढ़ाई की, पढ़ाई की नहीं की ना, तो बस अभी के अभी भिजवाते कार। तो चलिए, अभी जो है मैं जा रही हूँ, आपको पता है कहाँ जाऊंगी, किचन में। तो किचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना ये जो फेस है ना इसको सही कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, है ना वेदांश, कर लूँ थोड़ा सा मेकअप, सही रहेगा? आपकी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं, वेदांश बताएगा तो करूंगी, नहीं बोलेगा तो फिर नहीं करूंगी। कर लूँ क्या? कर लूँ क्या, क्या लगाऊं, जो भी आपकी मर्जी जो भी मेरी मर्जी चलो ठीक है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए गरम गरम चाय, हाँ, और वेदांश को गरम गरम दूध। वेरी गुड, मेरे को दूध पीना है, दूध पीना है, चलो फिर अभी। तो चलिए पहले अपना फेस सुधार लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद इनके लिए दूध गरम करती हूँ वेदांश के लिए, क्योंकि वंशिका तो 6 बजे आएगी तो उसको 6 बजे के बाद ही मैं दूंगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। चाय बन रही है और अभी आज मैंने इसमें ना अदरक क्रश करके डाला है। कभी कभी जब अदरक को कूट के डालो ना तो इतना ज्यादा टेस्ट नहीं आता जितना अदरक को क्रश करके डालने में आता है। तो मैंने अभी अदरक को क्रश करके डाला है, आज ही अदरक लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि 3 दिन से मेरे पास अदरक नहीं था और मैं बिना अदरक की चाय पी रही थी इसलिए। और आज जो है ना डिनर में मैं बनाने वाली हूँ दाल ढोकली। तो मैंने आज तक ना बनाई ना खाई और आज जो है ना मैं उसको रेसिपी देख देख के ना बनाने वाली हूँ और पता नहीं कैसी बनेगी। और मैंने कभी इसको, मुझे पता भी नहीं है कि वो टेस्ट में होती कैसी है, पर मैंने तारीफें सुनी है कि दाल ढोकली जो होती है ना काफी अच्छी होती है खाने में, एंड कंप्लीट मील होता है। खट्टी मीठी, अच्छा ठीक है, तो कंप्लीट मील होता है। तो मेरी मेहनत बच जाएगी और मेरा आलस बच जाएगा, मेरी कामचोरी बच जाएगी, मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, मुझे सिर्फ दाल। और वैसे तो आलस नहीं, मतलब काम चोरी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो ढोकली बनती है उसमें पूरा ही प्रोसेस तो वही करना होता है, आटा गूंदना भी पड़ेगा एंड उसको रोटी की तरह बेलना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। पर चलो कोई नहीं, बना के देखेंगे, ट्राई करेंगे कैसा लगता है और फिर आपको बताऊंगी कैसी बनी है। और इसके बाबा को पसंद आती है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। अगर वो मुझे ये भी बोल सकते कि दाल ढोकली के साथ रोटी भी खानी है तो मुझे वो भी देख के चलना पड़ेगा। तो पहले तो मैं अपनी चाय फटाफट से बना लेती हूँ, पी लेती हूँ एंड उसके बाद फिर जो है मैं डिनर में लगती हूँ।
बैक कैमरा नहीं फ्रंट कैमरा में ही जाता है, करके दिखा दो तो बाद में करके दिखाओगे, दीदी भी आएगी। ओ बाला, गाना भी गाओ। बस बस हो गया हो गया, मैं हिल गई। बस चलो ये वाला जो डायलॉग है ना बहुत ज्यादा फेमस हो गया है बच्चों में, दिन भर इनका यही डायलॉग होता है, अपने फ्रेंड के साथ भी ये यही वाला डायलॉग मारते हैं। कौन सा वाला? टकलिया होता है वाह टोइंग। हाँ टोइंग। तो मैं चलो आपको बालकनी से जो है ना बाहर का सीन दिखाती हूँ। ये देखिए देखिए, तो कल जो है बारिश हुई थी, इस वजह से जो है आज काफी क्लियर है मौसम। क्योंकि होता है जब एक दिन पहले जब बारिश होती है ना तो नेक्स्ट डे क्या होता है मौसम काफी क्लियर होता है, और हम लोगों को दिल्ली और नोएडा वाले समझ सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन है इधर। तो बहुत कम ऐसा होता है देखने को मिलता है जब मौसम जो है ना थोड़ा सा क्लियर हो, और चारों तरफ से बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग्स है। देखिए शहरों की जिंदगी ना सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, देखने में शायद थोड़ी सी अच्छी लगे, बट जीने में बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। और ये मैं आपको इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी ना शुरुआत में, तो हुआ ये था कि मैं रहती हूँ हरिद्वार, मेरा मायका है, तो हरिद्वार में जो है ना हम लोगों का जो घर है ना, मैं आप मेरे व्लॉग में देखना जो मेरा हरिद्वार के व्लॉग है, जो मेरे मायके के व्लॉग बनाए हुए हैं, बहुत खुली जगह, बहुत खुली, एंड बचपन से ना हम लोग खुली जगह पे रहे, चारों तरफ खुला, ऐसे घर वर ये बिल्डिंग विल्डिंग नहीं होती है वहाँ पर। अब तो थोड़ा काफ़ी मतलब चेंज हो गया है, बट बचपन से जहाँ पर आप रहे हो और बचपन से हमने खुला देखा, मतलब इतना था कि हम लोगों के घर के पीछे डायरेक्ट खेत और खेतों के बाद जंगल स्टार्ट हो जाता था, तो ये हाल था उस टाइम पे, तो हमें वही अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं शादी करके आई दिल्ली में, अब यकीन मानिए जिस दिन मैं अपने ससुराल में एंट्री करी ना, मैं मतलब मैं इतना रोई उस दिन, इतना रोई, क्यों? क्योंकि मैं मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब घुटन होने लग गई थी। मैंने बोला कि यार मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर, मेरा मतलब मुश्किल है यहाँ पर रहना, इतनी ज़्यादा जो है ना मुझे घुटन हो रही थी। तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस दिन कितना रोई थी, और वो दिन था मैंने सोचा यार मैं फंस गई, मैंने मतलब शहर में मतलब सुना था ना, उससे पहले मैं कभी दिल्ली आई भी नहीं थी, तो उसी टाइम मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आई, तो सुना था दिल्ली दिल्ली दिल्ली, लेकिन जब देखा ना तो मैंने कहा नहीं, इससे लाख गुना अच्छा हमारा हरिद्वार है। पर अब जो है ना धीरे धीरे 8-9 साल हो गए तो अब आदत पड़ गई है, लेकिन अभी भी जब हरिद्वार की तरफ जाती हूँ ना, जब मायके जाती हूँ,
तो जब गंगा जी आती है ना बीच में से, जैसे हम जाते हैं गाड़ी से, तो वहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है ना, मतलब अपनापन सा लगता है। जाते ही लगता है कि हाँ हम अपनी जगह आ गए। आज भी वहाँ ऐसा लगता है कि अब हम अपनी जगह पहुँचे, अलग ही माइंड हो जाता है जाके, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस बहुत जल्दी अब जाने ही वाली हूँ। वैसे भी मैंने आपको बोला है 29 जनवरी को जो है हम लोग जाएंगे, और अभी तक शॉपिंग नहीं की है, और बस अब 2-3 दिन में मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पे। तो जो हमारी होने वाली घर की बहू है, सीटी आ गई, दाल की मूंग की दाल, तो होने वाली जो बहू है उसके लिए इंगेजमेंट रिंग वगैरह लेनी है, तो उसके लिए हम जल्दी जाने वाले हैं, तो उसका व्लॉग मैं बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे जो है व्लॉग्स आने वाले। तो दाल पे सीटी लग चुकी है, मैं जा रही हूँ किचन में दाल को बंद करने के लिए, और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। बनाने में कैसी दिख रही है? देखने में अच्छी लग रही है, लग रही पूरा है। पूरा ढोकला बना देती। ढोकला नहीं बना सकती। अरे ये कुछ अलग सा है ना। तो हम लोग जो है डिनर कर चुके हैं, और अब हम आ गए हैं अपनी रजाई के अंदर, दोनों मम्मी और बेटी, और हम दोनों यहीं सोते हैं क्योंकि मुझे जो है ना रात को एडिटिंग करनी होती है, और वो वाले रूम में जो है ना उनका टीवी ऑन रहता है, और मैं मम्मा की एडिटिंग देखती रहती हूं। मेरी एडिटिंग देखती रहती है। और दाल ढोकली कैसी बनी थी? क्या मतलब यम्मी? तो यम्मी होती है। ऐसा लग रहा है सांप की तरह टेस्टी बनी थी। बोलो, टेस्टी बनी थी? टेस्टी से भी ज्यादा टेस्टी। हाँ, पर फर्स्ट टाइम बनाई तो अच्छी बनी थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं पर अच्छी बनी थी, मेरे को बहुत ज्यादा लगी थी। हाँ, सबको पसंद आई, और आज हमने दाल ढोकली खाई है। तो आज के व्लॉग का एंड में यही करूंगी। तो इसके बाद जो है मैं करूंगी इस वाले व्लॉग की एडिटिंग, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में, तो मतलब बहुत लेट हो जाता है सोने के लिए, तो इसीलिए आज के व्लॉग का एंड यही करते हैं हम लोग। तो कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट कर लीजिएगा कि कैसा लगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब वंशिका के मामा की क्या होने वाली है? सगाई। हाँ, तो चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंड टेक केयर, बाय बाय।